दोस्तों आज हम उस शख्स से बात करने जा रहे हैं जिनसे माँ बहन बेटी का बेशक दुनिया की सारे डायरेक्ट रिश्ता ना हो, लेकिन उनकी शायरी के ज़रिए वो दुनिया की हर माँ बहन बेटी से निस्बत रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं। ऐसे शख्स मुनव्वर राना साहब से आज हम कुछ बात करना चाहते हैं। राना साहब, जिससे पहले कि मैं कुछ सवाल या अपनी जिज्ञासा आपके सामने रखूं, उससे कबल मैं आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए मुबारकबाद देता हूं तहे दिल से। एक सवाल अक्सर जहन में आता है कि आपको देखकर, आपकी शायरी सुनकर आपकी फ़कीराना तबीयत का एहसास होता है, तो जिज्ञासा यह है कि आप शायरी ने आपको फकीराना बनाया या फकीराना तबीयत ने आपको शायर बनाया? हाँ, बड़ा पहली बार 63 साल में बड़े जबरदस्त सवाल से सामना आपने करवा दिए हैं। शुक्रिया। असल में हमारे ख्याल से हमारी जिंदगी जो है वो खिचड़ी है जी। कुछ मेरी शख्सियत फकीराना है, कुछ शायरी ने मुझे और ज्यादा फकीराना बना दिया जी। यूं है हमारा ख्याल से, क्योंकि जो मुझ में अच्छी बुरी आदतें हैं फकीराना जी, ये पैदाइशी हैं, पहले से हैं, बचपन से हैं जी, जी हमेशा से हैं जी। और कुछ शायरी ने मुझे और बहुत विनम्र बना दिया, और शायरी की वजह से शायद मेरे अंदर का फकीर जो है वो और जिद्दी हो गया, और वैसा हो गया जो मतलब ये है कि बादशाह से भी नहीं डरता जी, अपनी दुनिया में बहता है। क्या बात, ये तरंग में चलता है और इसी तरह से चलता हुआ एक दिन दुनिया से चला जाएगा। इस बात को आप किसी दो मिसरों में बांध सकते हैं, बता? हाँ, बहुत ही शेर है हमारे जी, इरशाद एक आध। बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना। क्या बात, क्या बात। बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना। पड़ा रहने दो अपने बोरिए पर हम फकीरों को। क्या बात, पड़ा रहने दो अपने बोरिए पर हम फकीरों को, फटी रह जाएंगी आंखें जो मुट्ठी खोल दी हमने। क्या बात है, बहुत खूब। पड़ा रहने दो अपने बोरिए पर हम फकीरों को, फटी रह जाएंगी आंखें जो मुट्ठी खोल दी। मैं जब दुनिया में था तो हाल तक मेरा नहीं पूछा। क्या बात, मैं जब दुनिया में था तो हाल तक मेरा नहीं पूछा, मैं जब चलने लगा तो सारी दुनिया पूछने आई। क्या बात, ये है सब। बाबा, आप अक्सर अपने उस्ताद को भी सर आंखों पर रखते हैं, और रखना भी चाहिए। मैंने आपकी शायरी में, आपके मिजाज में भी ये बात बहुत बार देखी है। तो वली असी साहब तो उनको लेकर आप, मतलब उनका भी आपके फकीराना होने में कुछ हाथ रहा या नहीं? वो खुद बहुत फकीर सिफत आदमी थे जी, जी, और मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे जी, और उनके एहसानात हैं जी। हाँ, और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया पढ़ाया जी, और मतलब ये कि वो एकदम पिता तुल्य थे जी, और जिस तरह से बगैर उस्ताद के जी बहुत से हुनर नहीं आते हैं जी, उसी तरह जो वाली भाई थे उन्होंने हर तरह से हमको नवाजा। यानी अक्सर वो कहते थे कि हमने तुम्हारे लिए काबे शरीफ में गिलाफ पकड़ के दुआएं मांगी हैं। क्या बात, हमारी कामयाबी। क्या, हमसे उन्होंने एक बार एक सिलसिले में उन्होंने हमसे ये कहा, किस्सा तवील है जी। तो उन्होंने कहा था कि घड़ी के, हमसे उन्होंने कहा था कि बेटा घड़ी के हिंद से बन जाओ, यू नो जो नंबर होते हैं घड़ी के हिंद से बन जाओ जी, कांटा तो तुम्हारे ऊपर दुनिया का बड़े से बड़ा आकर के रुकेगा। ओहो, क्या बात। तो आज मैं इस बात पे मैं खुशी महसूस करता हूँ कि आज मुझे कुछ मांगना नहीं पड़ता जी, है जी, जी। मैं इन सब हम उर्दू एकेडमी बंगाल के 22 बरस तक गवर्निंग बॉडी के मेंबर थे जी, बहुत दबंग आदमी सब हर तरह से जी।
और हमने आज तक 26 किताबें लिखी, कभी किसी किताब को हमने एकेडमी में इनाम के लिए दाखिल ही नहीं किया, क्योंकि इनाम जो है वह शख्सियत को थोड़ा थोड़ा कमजोर होता चला जाता है, या एक आदमी में बेजा गुरूर पैदा हो जाता है जी। और जहाँ गुरूर पैदा होता है वहीं से कमाल खत्म होने लगता है। क्या बात है, बहुत तो इसीलिए मैं हमेशा भागता था। बाकी यही है कि जैसे यही अवार्ड है जी। तो अगर दुनिया ये समझती है कि जुगाड़ से और इससे उससे मिलता है, तो 10 बरस तक सोनिया गांधी हमारे शहर से जीत कर दिल्ली जाती थी, रायबरेली से। हाँ, और सोनिया जी के ड्राइंग रूम में हमारी नज्म लगी हुई थी। मैं कभी उनसे मिलने नहीं गया। अगर एक बार भी मैं उनके यहाँ मिलने चला जाता और एक अर्जी लगा देता कि साहब मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो बहुत और बहुत ज़्यादा सी चीज़ें भी मिल जाती जी। लेकिन मैंने ये सोचा कि जब तक मैं फेयर खेल सकता हूँ मुझे फाउल नहीं खेलना चाहिए। क्या बात, बहुत। ये मैं अपने तमाम छोटों को, जो हमारे बेटों के जैसे छोटे भाई युवा कवि और शायर हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में ये बात, किस बात का हमेशा ख्याल रखना कि जब तक आप फेयर खेल के जीत रहे हैं फाउल कभी मत खेलिए। बहुत क्या आपने बहुत सही मशवरा दिया। इसी नई नस्ल को लेकर अगली मेरी बात है कि अभी जो नई नस्ल लिख रही है, शायरी कर रही है, इससे आप मुतमईन हैं या आपको इनसे कुछ और उम्मीदें हैं अभी? नहीं, मुतमईन है, ऐसा नहीं है, मुतमईन है। लेकिन ये है कि जो एक होता है ना कि जल्दबाजी में है ये कौम जी, हाँ। एक बात, दूसरी बात ये कि चूंकि इनके यहाँ उस्ताद शागिर्द का कोई कल्चर नहीं है, तो इसलिए वो उनका जो ट्रीटमेंट ऑफ पोएट्री भी कमज़ोर है और उनके संस्कारों में भी थोड़ी सी कमी है। वो अपने अग्रज का ख्याल नहीं करते हैं, उनसे मोहब्बत नहीं करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। हम इस 62 बरस की उम्र में भी, जब हम लंगड़े हो गए दोनों पैरों से, आज भी हमारा कोई सीनियर अगर अग्रज को नीरज जी स्टेज पर आ जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं। तो कम से कम ये होना चाहिए कि अगर वो अपने अग्रज जो उनके जो बड़े भाइयों के जैसे हैं उनको सम्मान देंगे तो उससे उनकी शायरी में भी सुधार आएगा जी, उनकी शख्सियत में भी सुधार आएगा और भगवान उनकी कविताओं में नूर भर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, असल में ऐसा होता है कि शायरी नूर की तरह होती है। मस्जिद से रोज आप देखिए हजारों लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं, बिल्कुल, लेकिन नूर किसी किसी के चेहरे पर होता है। क्या बात है। एक शख्स 10 बरस से नमाज पढ़ रहा होता है, उसके चेहरे पे नूर नहीं होता है। और एक शख्स जिसको आप 10 बरस से सिर्फ खराब हरकतें करते देख रहे होते हैं जी। अचानक वो एक दिन उसको आप मस्जिद से निकलते हुए देखते हैं और देखते हैं कि उसके चेहरे पे नूर है। क्या तो ये तो अल्लाह की मर्जी है कि किसकी किसको नूर बख्श दे। तो शायरी का मामला भी यही है कि अल्लाह किसको नूर दे दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इस वक्त इस दौर में अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ वक्त से दहशतगर्दी का जो माहौल है, खूनरेज हैं आंखें माओं की, कई माओं की, ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस दुनिया को, या शायरी उसके लिए अपनी जिम्मेदारी कहाँ तक निभा सकती है और निभा रही है? देखिए, असल में शायरी या शायर, शायरी तो बाद में पैदा होती है जब शायर पैदा होता है जी। असल में जो हमारे बुजुर्ग थे वो अपने आंगन में नीम का पेड़ लगाते थे जी, हाँ। अपने सहन में नीम का पेड़ लगाते थे जी। अपने दरवाजे पर नीम का पेड़ लगाते थे, अपने पास पड़ोस में नीम का पेड़ लगाते थे जी। शायद उसकी वजह ये रही हो कि परिंदे आराम कर सकें। बिल्कुल। उसकी जो बिनौलियाँ होती हैं वो बीमारी में काम आती हैं, बरसात के मौसम में बच्चों की दवा के काम आती हैं। कभी कभार अगर तफरीही तौर पर भी उसकी पत्तियां तोड़ के चबा ली या उसकी बिनौली अगर चबा ली, चूस ली, तो शुगर खुद ब खुद उससे भाग जाएगी, आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसकी जो खूबसूरत शाखें हैं उन पर कोई झूला होगा जिसमें सब मजहब के लोग बैठ करके झूलेंगे, पूरा गांव झूलेगा। क्या मंजर नामा। हाँ, तो मुख्तलिफ उसके फायदे वो सोच करके वो इसलिए लगाते थे। लेकिन जो हमारी नई नस्ल आई, उसने एक छोटा सा गमला खरीदा, उसमें उसने एक तुलसी का पौधा लगा दिया, वो अपने ड्राइंग रूम में रख दिया और आंगन के नीम के पेड़ को काट दिया। तो दहशतगर्दी को रोकने के लिए भी
जब तक ऐसी छतर छाया नहीं ढूंढी जाएगी, ये जो अलगाव है कि मेरा बच्चा महफूज है, इसके बाद चाहे जो हो रहा हो। जी माफ कीजिएगा, हर इधर पिछले 10 बरस से अमेरिका सिर्फ बच्चे ही मार रहा है, चाहे वो उसने इराक में मारे हों, अफगानिस्तान में मारे हों, लीबिया में मारे हों, कहीं भी मारे हों, जहां उसको मौका मिलता है वो बच्चे ही मारता है। जी तो कहने का मतलब ये है कि उन बच्चों के दर्द पर कोई दर्द नहीं चीखता है, अचानक पेशावर पर सब चीखने लगते हैं। जी तो ये बात तो फर्क हो गई ना। सही। तो अब जाहिर सी बात है यही आदमी जो है वो तालिबान बनता है, टेररिस्ट बनता है, आतंकवादी बनता है कि मेरे बच्चे मारे गए तो तू नहीं रोया, उसके बच्चे मारे गए तो क्यों रोया। तो कहने का मतलब है कि जब तक ये पैरेलल गम नहीं होगा, सब का गम एक साथ हम उसको नहीं मनाएंगे, तब तक कैंडल जलाते रहेंगे, असलहे से डराते रहेंगे, लेकिन आतंक कभी दूर नहीं होगा। आतंक तब दूर होता है। देखिए भगवान ने औरत की 2 छातियां बनाई, इसकी कोई जरूरत तो नहीं थी, एक ही छाती की जरूरत थी, एक बेटा उसका वो पी लेगा। लेकिन हमारे बचपन तक ये था कि एक छाती से बहुत से ऐसे बच्चे दूध पीते थे जिनकी माएं मर गई या बीमार या जिनके दूध नहीं उतरता था, बगैर मजहब, बगैर मिल्लत, बगैर धर्म, बगैर समाज के वो औरत 2 बच्चों को दूध पिलाती थी शान से, एक उसका बच्चा होता था, एक पराया बच्चा होता था। और वही बच्चा जब बड़ा होता था तो सिर्फ इसलिए किसी का कत्ल कर देता था कि उसके असली जो उसके जिसने दूध पिया है जिस माँ का, उसके बच्चे को किसी ने माँ की गाली दे दी थी, उसने जाके मार दिया कि तुमने उसको माँ की गाली दी, इसकी मैंने माँ का दूध पिया था। तो दुनिया जब तक इस रिश्ते में नहीं जोड़ी जाएगी, आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा। बाबा जो बच्चे उसमें हलाक हुए उनका इतना हक तो बनता है बतौर खिराजे अकीदत आपका एक शेर उनके लिए हो। हाँ हम तो ये कहते हैं जैसे दुनिया बहुत कहती है बहुत बुरा हुआ, और ये भी कहती है कि पाकिस्तान में एजुकेशन की बहुत कमी है, तो दुनिया के कम से कम 137 मुल्क मिलकर वहाँ 137 बच्चों के स्कूल खुलवा दें। क्या बात, सही मशवरा है। ये सिर्फ रोने से तो गम नहीं जाएगा ना। सही बात है। आपके यहाँ कुछ हुआ तो हम रो लिए, हमारे यहाँ कुछ हुआ तो आप रो लिए, से क्या 132 बच्चे मारे गए हैं। दुनिया का हर मुल्क जो है, दुनिया के 132 ममालिक मिलकर के वहाँ 132 स्कूल बना दे बच्चों के। जी बिल्कुल, ये एक मिसाल होगी, ये एक इत्तेहाद होगा, ये एक यूनिटी होगी, ये एक साथ मिलकर होना हुआ, साथ चलना होगा। हाँ। तो 2 मिसरे आप उनके लिए, बच्चों के लिए। हाँ हमने तो शेर ही उन दिनों कहा था कि इसमें बच्चों की जली लाशों की तस्वीरें हैं, इसमें बच्चों की जली लाशों की तस्वीरें हैं, देखना हाथ से अखबार न गिरने पाए। क्या बात, देखना हाथ से अखबार न गिरने पाए। बाबा आप इन दिनों सोशल मीडिया नेटवर्क पे भी खूब छाए हुए हैं, आपने शायद बहुत देर से कदम उठाया सोशल मीडिया में आने का, वैसे तो आपसे पूरी दुनिया वाकिफ है आपकी शायरी से, तो ऐसा हाँ ये कह सकते हैं आप। तो नहीं, देर से तो हमने दुनिया में भी हम आए, वरना मुमकिन है किसी मुल्क के वाकिया होते। जी क्या बात बाबा, एक सवाल जो अभी आखिरी सवाल है ये, हालांकि इसका जवाब इससे जस्ट पहले सवाल छुपा हुआ था, लेकिन मुझे कहने में भी शर्म आती है कि ये धर्मांतरण वाले जो मसले आजकल हिंदुस्तान में चल रहे हैं, इसको लेकर आप इसका क्या हल समझते हैं, क्या होना चाहिए? अब ये बड़ा अफसोसनाक था, मतलब हाथ से पत्थर रह गए तो। जी कि खुद धर्म पर नहीं चलना है, दूसरे का मतलब चल जी तब्दील करवाया आपने, खुद अगर धर्म पे चल रहे होते तो इनको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती कि दूसरे का आदमी को बोले कि हमारे मतलब में चले आइए। तो असल में ये है कि ये मोदी साहब की बदनसीबी है जी, कि उन्होंने अच्छे दिन आने के नारे लगाकर हुकूमत पाई जी, लेकिन वो अपने बुरे साथियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जी, ये हुकूमत के लिए भी खराब है और ये देश के लिए भी खराब है। अच्छे दिन लाने के लिए
अपने बुरे साथियों को छोड़ना होगा। दो मिसरों के साथ मैं बाबा अपनी बात खत्म करता हूँ। आप कहना ही चाहूंगा कि मिलेंगे हर हाल में तुमसे ऐ जाने वफा, मिलेंगे हर हाल में तुमसे जाने वफा, जिए तो जिंदगी की तरह, मरे तो खाक बनकर।